15 अगस्त 1947 ये कोई आम दिन नहीं था, बल्कि ये तारीख लाखों लोगों के खून से लिखी गई थी। इस दिन ऐसा क्या हुआ था ये बताने की तो जरूरत भी नहीं है। इस दिन सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि भारत माता के हृदय के भी दो टुकड़े हो गए थे। इस दिन भारत ने सिर्फ अपने लोगों की मौत ही नहीं देखी थी बल्कि हमारे इतिहास से जुड़ी बहुत सी शानदार धरोहर भी खो दी थी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो आजादी के बाद भारत में नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. शादमान चौक। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने शादमान चौक का नाम कभी नहीं सुना होगा। आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। आज ये जगह पाकिस्तान के लाहौर में है। एक लंबे समय से उठती रही मांग के बाद पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर भगत सिंह चौक रख दिया है। लेकिन इस महान क्रांतिकारी के जीवन से जुड़ी इतनी जरूरी जगह भारत में नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। 9. कटास राज। कटास राज मंदिर प्रांगण पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जो एक तालाब के चारों ओर बने हुए हैं। पुराणों के अनुसार ये तालाब भगवान शिव के आंसू से बना था। इस जगह पर पांडवों ने भी बहुत समय बिताया था और महाभारत में यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की घटना भी यहीं हुई थी। मान्यता के अनुसार यहाँ के शिवलिंग को खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से स्थापित किया था। 8. गोरी विरवाह टेम्पल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की नगर पारकर नाम की जगह में बना ये जैन मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थगर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर को सन 1375 में बनवाया गया था। इस मंदिर के अंदर की चित्रकला बहुत ही अनोखी है। सन 2016 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। 7. ढाकेश्वरी टेम्पल। देवी दुर्गा के एक रूप ढाकेश्वरी को समर्पित यह मंदिर बांग्लादेश के ढाका में है। और क्या आप जानते हैं, ढाका का नाम भी ढाकेश्वरी के नाम पर ही पड़ा है। इस मंदिर को आज से करीब 1000 साल पहले सेन साम्राज्य के बल्लाल सेन ने बनवाया था और आजादी के पहले तक ये मंदिर पूरे भारत के देवी उपासकों का प्रमुख केंद्र था। आपको जानकर खुशी होगी कि ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा प्राप्त है। 6. करतारपुर साहिब। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब वही जगह है जिसकी स्थापना खुद गुरु नानक देव ने की थी और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें भी ली थी। आज जगह पाकिस्तान के नरीवाल जिले में है। नानक द्वारा स्थापित असली गुरुद्वारा तो रावी नदी में आई बाढ़ से नष्ट हो गया था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का बनवाया ये गुरुद्वारा उसी जगह पर बना है। सिखों की ये धरोहर तो भारत में ही होनी चाहिए थी। 5. सोमपुर महाविहारा। बांग्लादेश के राजशाही के पहाड़पुर गांव में बना सोमपुर महाविहार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजाओं ने प्राचीन बंगाल में की थी। 27 एकड़ में फैला ये महावीर बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू और जैन धर्म में भी बहुत महत्व रखता है। सन 1985 में सोमपुर महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। 4. पंचमुखी हनुमान मंदिर। पाकिस्तान के कराची शहर के सोल्जर बाजार में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर विराजमान हनुमान की मूर्ति दुनिया की एकमात्र प्राकृतिक हनुमान मूर्ति है और 1500 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि सफेद और नीले रंग की इस हनुमान मूर्ति में अद्भुत शक्तियां हैं और यहाँ आने वाले हर भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 3. तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दुनिया की पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के गांधार में था। यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चाणक्य, जीवक, विष्णु शर्मा और महर्षि चरक जैसे ना जाने कितने महापुरुषों ने यहाँ समय बिताया। दोस्तों, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज से 1500 साल पहले ही आक्रमणकारी तोमराना द्वारा तबाह कर दी गई थी। आज ये पवित्र जगह पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। 2. मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। 2500 ईसा पूर्व में बसा ये शहर प्राचीन दुनिया के सबसे ज्यादा 19 शहरों में से गिना जाता है। आज मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। यही नहीं, हड़प्पा, चनहुदाड़ो, लरकाना, मेहरगढ़, बालाकोट, रहमान धेरी सहित 400 से भी ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के शहर आज पाकिस्तान में ही हैं। 1. मुल्तान सन टेम्पल। मुल्तान का सूर्य मंदिर 5000 साल से भी पुराना है। पाकिस्तान में मुल्तान में इसके खंडहर देखे जा सकते हैं जिसका एक बड़ा भाग आज भी जमीन के अंदर दफन है। पुराणों के अनुसार मुल्तान या मूल स्थान मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांबा ने बनवाया था।
सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर का उल्लेख केवल हिंदू पुराणों में ही नहीं बल्कि हुआन सिंह हेरोडोटस और यूनानियों से साहित्य में भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ के सूर्य देवता की सोने की मूर्ति, उनकी रत्नों की आंखें और चांदी से बने दरवाजे और शिखरों का वर्णन भी कई जगहों पर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी शानदार जगहें जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमारी नहीं रही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतना कुछ जानने के बाद वीडियो पर एक लाइक करना तो बनता है, और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञान से भरे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद।